नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। राजस्थान में बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड सर्दी के मौसम के लिए बंद। और प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा है कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसला देते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन पर रोक लगाना था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि नोटों को बदलने के 52 दिन के समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने 7 दिसंबर को 58 याचिकाओं पर फैसलों को सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति नागरत्न ने फैसले पर असहमति व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि देश में लिए गए इस फैसले को सही ठहराया गया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकी गतिविधियों के लिए धन और काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार था। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। दिस होल एक्सरसाइज वॉज डन फॉर वैलिड कॉज, नेमली रिमूविंग फेक करेंसी कंटेनिंग टेरर फंडिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग फेक करेंसी को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी, और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। श्री रविशंकर ने इस निर्णय का विरोध करने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का बचाव किया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण भारत आज डिजिटल भुगतान में शीर्ष पर पहुंच गया है। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी के लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया गया, इस बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले में कुछ नहीं बताया गया है। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि नोटों के चलन को कम करने, कैशलेस अर्थव्यवस्था, नकली नोट रोकने और आतंकवाद को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और आर्थिक भागीदारी तक महिलाओं को समान पहुंच प्रदान करने के साथ ही अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को दर्शाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान होंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों में वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए मंच प्रदान करेगी। जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और पद्धतियों का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया जाएगा। विज्ञान कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान में आज तड़के बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये घटना जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमादरा खंड के बीच तड़के 3:27 पर हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा है कि इस घटना में किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। उच्चाधिकारी घटनास्थल पर हैं। फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने कहा है कि इस घटना के कारण 12 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं और 2 को रद्द कर दिया गया है। राजकीय आवास से बोमदरा के बीच में अवपथन हुआ है। इस अवपथन के फलस्वरूप कुछ रेल सेवाओं का मार्ग प्रभावित हुआ है। इसके कारण से 12 गाड़ियों का डायवर्जन किया गया है, मार्ग परिवर्तन किया गया है और 2 गाड़ियां कैंसिल की गई हैं। इस अवपथन के कारण से कोई भी जनहानि नहीं हुई है, माइनर इंजरीज हुई है और इन यात्रियों को जिनकी माइनर इंजरीज हैं उनको प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी के अस्पताल में ले जाया गया है। इसके अलावा बसेस भी अरेंज की गई है ताकि प्रभावित यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर ले जा सके। उसके अलावा इस ट्रेन का जो फ्रंट पोर्शन था उसको जोधपुर की तरफ रवाना कर दिया गया है जिसमें यात्री को ले जाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वे लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की आपातकालीन सहायता और चिकित्सा संबंधी मदद समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रेल मंत्री ने गंभीर रूप से घायलों को 1,00,000 रूपये और मामूली रूप से जख्मी लोगों को 25,000 रूपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। श्री वैष्णव आज शाम को घटनास्थल का दौरा करेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य उच्चाधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जोधपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: 02912654979, 02912654993 और 02912624125, जबकि पाली मारवाड़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 02932250324। इसके अतिरिक्त यात्री और उनके परिजन 138 और 1072 नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कंझावाला क्षेत्र में एक लड़की की मृत्यु के मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की स्कूटी की कार से टक्कर हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बारे में मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में कार से टक्कर के बाद लड़की की मृत्यु के मामले में संज्ञान लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि वे पुलिस आयुक्त के साथ इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और इसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 173 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2,670 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि 2014 से 2015 के 80 केंद्रों की तुलना में दिसंबर 2022 तक देश भर में 9,000 जन औषधि केंद्र काम करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग विषय पर योग गुरु डॉ सुरक्षित गोस्वामी से चर्चा प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता विशेषज्ञ से योग का महत्व और उसके लाभ संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न टेलीफोन नंबर 01123717106 और 01123314444 पर पूछे जा सकते हैं। हैशटैग #AIR का प्रयोग करते हुए ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं।
कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जिनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दिल्ली में तापमान गिरने और 3 जनवरी को शीतलहर की आशंका है। श्री जिनामणि ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। हनुमानगढ़ फोरकास्ट का बात करें तो ऑरेंज कलर वार्निंग जो है मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में घना कोहरा या डेंस फॉग का दिया गया है और दिल्ली में 3 या 4 तारीख को कोल्ड वेव हो सकता है और तापमान 4 से 6 डिग्री रहेगा मिनिमम। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है या उनका समय बदल दिया है। उधर राजस्थान में इस सप्ताह कड़ाके की शीतलहर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया में आज रात का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में दिन का तापमान भी लुढ़क कर 20 डिग्री पर आ गया है। कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन के लिए कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड इस सर्दी के मौसम के लिए बंद कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी के सोपियां जिले से जोड़ता है। मुगल रोड के अभियंता ने बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले 2-3 महीनों के लिए इस सड़क को बंद कर दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई में आसमान साफ है। कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, अगरतला और गंगटोक में धुंध छाई रही और बाद में आसमान साफ रहेगा। शिलांग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा हो सकती है। इन शहरों में तापमान 7 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड मैदान में आज से राष्ट्रीय कैडेट कोर का गणतंत्र दिवस 2023 शिविर शुरू हुआ है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 2150 से अधिक कैडेट इस शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य गणतंत्र दिवस के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानकारी देना है। इसके अतिरिक्त कैडेटों के व्यक्तित्व से संबंधी गुणों के विकास का भी उद्देश्य इससे जुड़ा हुआ है। लगभग 1 महीने का यह शिविर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ संपन्न होगा। प्रिटोरिया में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर-19 महिला क्रिकेट का 4वां T20 क्रिकेट मैच आज शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है। 2 मैच वर्षा की वजह से रद्द हो गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। राजस्थान में बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड सर्दी के मौसम के लिए बंद। और प्रिटोरिया में
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।